23 लाए धमे की भगवानपुर संजात पथ पर ट्रक ने एक युवक को धक्का मारा जिसके कारण युवक का दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को भगवानपुर PHC में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। बहुत गरीब लोग छथनी आ उ लोग के अखनी तलुक चंदा चुटकी से इलाज हो रहा न, लेकिन गरीब के ओनर या सरकार कोनो सहायता नहीं कर रहा खनी। इसलिए हम बहुत गरीब छे। आज ये लोगों को किसी तरह हम लोगों ने प्रयास किया है, विनती किया है कि आज आप लोग रुक जाइए, आज भर विचार विमर्श करने का, इन लोगों को आपस में समझौता करने का मौका दिया जाए, प्रशासन को संज्ञान में दिया जाए। उसके बाद अगर यह सही रूप से मुआवजे या सही रूप से ये लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हम लोग कल से धरना पे बैठेंगे। आज भर मैं प्रयास इन लोगों से, तमाम महिलाओं से, तमाम पंचायत की महिला बिल्कुल किसी तरह इन लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज रहे हैं। सरकार और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इसे संज्ञान में लें और इस बच्चे को किसी तरह मुआवजा दिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही पीड़ित, अभी जो पीड़ित परिवार हैं उनकी जो हालत है, उनकी जो स्थिति है, ये पूरे पंचायत पूरे क्षेत्र से किन्हीं से छुपी हुई नहीं है। उनके पिताजी भी विकलांग है और ये भी जो बच्चा है आज विकलांग हो चुका है, एक पैर उसका चला गया, अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो यह लोग उसी आक्रोश के साथ 72 घंटा से इंतजार करते रहे और उनकी वाइफ की भी जो है हाथ कट गई, मात्र 6 महीना पहले शादी हुआ था। अब उनके घर का क्या हालत होगा शायद आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए किसी तरह इसे न्याय मिलना चाहिए, इस बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए और तमाम महिला से मैं अनुरोध करता हूं कि आज भर इन लोगों को समय दिया जाए। अगर ये संज्ञान में नहीं लेते हैं तो कल हम लोग आप लोगों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं, SP साहब को भी संज्ञान में देंगे और सारे लोगों को संज्ञान में देकर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। जब तक इस बच्चे को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आप संघर्ष करते रहेंगे।